हमारे भी सोनू के पिताजी आ रखे हैं, तो उनको जड़ी बूटी का बहुत ज्ञान है, समझ रहे हैं। बोले पारिजात का फ्लावर पूजी, इसके पत्ते को ऐसे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इससे हमने ठीक किया, डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पाए, 6 महीना में हमने तुम 1 दिन में ठीक कर दिया। और फिर उस आदमी को बोला कि देखिए आप ठीक हो गए, अब आप भी फ्री में बांटिए इसको, तो बहुत अच्छे आदमी है। तो मेरा उधर डिस्कशन होने लगा, तो आप चलिए थोड़ा रूम में बच्चे के साथ रहिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो बात करते करते तो बोले कि वो सब ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी ऐसी मैंने पढ़ा है वो, कि आपकी आयु 500 साल हो सकती है। कितने साल आपकी आयु हो सकती है? 500 साल हो सकती है, आपको बुढ़ापा कम होगा, ये होगा, बहुत सारा चीज बताया, आपको जॉन्डिस नहीं होगा, तो ये होगा, सर्दी खत्म हो जाएगा, ऐसे जुकाम खत्म हो जाएगा, खांसी खत्म हो जाएगा। तो हमेशा घूमते रहते तो उनको एक ही चीज दिखता, हर पौधा में इसमें ये हवा इसमें ये जड़ी बूटी। तो और सिर्फ जड़ी बूटी से नहीं होता है, वो बताए थे कि मंत्र भी करना होता है साथ में। कुछ मंत्र जब करने से वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो जड़ी बूटी और मंत्र दोनों बताए थे कि जाप करना होता है, तो सही से जो ये बहुत ही, और उसके साथ मंत्र पावर साथ क्या होगा, आपको बहुत सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, जो नॉर्मल इलाज नहीं हो सकता। वो जड़ी बूटी भी पावरफुल होती है, और प्लस सिर्फ जड़ी बूटी का पावर बढ़ जाता है किससे, बनारस से वो सीख के आए थे, उनका बुक से पुराणों में दिया हुआ ये वो। तब तो बोला अच्छा आपके पास कोई जड़ी बूटी है क्या, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं उनको समझाया था कि भाई ऐसा कोई जड़ी बूटी है तो बताइए, हमारे पास है वो जड़ी बूटी। हरे कृष्ण 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 हरे राम। जड़ी बूटी ऐसा है, ऐसा मंत्र है कि आपको भव बंधन से बाहर निकाल सकते। फिर मैं करुण से बात करते तो चलिए, फिर वो मेरे साथ जा रहे थे रास्ते से, ए पूजी ये देखिए ये वाला। मैं इनको आध्यात्मिक लेवल में ले जाएगा बार बार, ठीक है। बोले देखिए इसको छूने से बंद हो जाए। बोला अरे हम आपको हरी कथा सुना रहे कि आपको भगवत धाम ले जाने के लिए, आप इसी में अटके रहना चाहते हैं, भाई क्या है भाई। अभी कोई जड़ी बूटी जो मेरे साथ चली, सुनिए मेरे से कथा सुनी, अभी जड़ी बूटी बताइए, चलिए साथ साथ चली। तो फिर तो बोले लगा अच्छा जड़ी बूटी कोई ऐसा है हाँ जिसको खाने से कोई मरेगा नहीं? बोला हाँ ना है। बोला अच्छा है। मैं सोचा था बोलेगा नहीं है, लेकिन तुमको बोल रहे। बोले ऐसा अच्छा कौन सा जड़ी बूटी? बोले मंत्र पूजी, जड़ी बूटी मंत्र बहुत होता है वो। बोले कोई ठीक है, बोले ऐसा कोई उदाहरण नहीं जो आदमी आज तक नहीं मरा अमर? बोले हाँ हाँ वो है एक ठो, एक ठो क्वालिफाई समझ रहे। बोलते पूजी वो एक ऋषि थे, ऋषि थे वो महामृत्युंजय जप किए, और फिर यमराज आया जप करके सिद्ध हो गए, और फिर उनको वरदान मिला कि वो मरेंगे नहीं, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो यम यम जब यमराज आया, यमदूत आए, तो उसके मंत्र की पावर के उनको लेके नहीं जा पाए। बोला ऐसे अच्छा वो आप मार्कंडेय ऋषि का बात कर रहे क्या? बोला हाँ हाँ मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि वो अमर है। बोला अमर नहीं है वो,
उनका आयु 7 कल्प का उनको वरदान मिला था। कितना कल्प का? 7 कल्प। हाँ, तुम्हें सिखाया कल्प मतलब कितना होता है। तुम्हें सिखाया कि उनको पेपर पर में सिखाया कि एक कलयुग 4,32,000 साल, तो आप 8,64,000, त्रेता 12,96,000, सत्युग 17,28,007, ऐसे करके एक महायुग 43,22,000 साल का, ऐसे 1,000 युग से एक ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, और ऐसी रात्रि, ऐसा करके टोटल मिला के 24 घंटा ब्रह्मा का जो होता है वो मिला के आपको एक कल्प कहलाता है। ऐसे 7 कल्प चाहिए, तो वो पेपर पेन भी कैलकुलेट कराया है, उनका पेपर पेन लेके चलते बहुत अच्छे बटे, तो कलयुग लिखे पूरा एकदम कैलकुलेट किया, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर गाली दिया रे, आप कैलकुलेशन नहीं जानते, फिर से कैलकुलेशन करके 43,01,000 का, 10,000 का उनको फिर सिखाया, 43,20,000, फिर कैलकुलेट किया तो 432 करोड़ साल का 12 घंटा ब्रह्मा जी का, और रात्रि भी उतना समय का, 800, ये भगवत गीता का 8वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है, सहस्य पर्यंतम अहं ब्रह्मणो निशि। तो मैं कैलकुलेट कराया और 5 मिनट लगाऊ के लिए पता चला ब्रह्मा जी का एक कल्प कितना हो गया, 864 करोड़ 7 करोड़। 7 कल्प मतलब करीबन 5,000 करोड़, बोले इसी को अमर बोल दिया, अमर कोई नहीं है, इसी लंबा आयु को क्या बोल देते हैं। अच्छा अच्छा बोल, तो दुनिया में लोग सोचते हैं मंत्र जप करके हम बड़ी आयु कर लेंगे, क्या है उसका उदाहरण, लेकिन मंत्र जप तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मंत्र जप से क्या मांगना होता है पता नहीं। इसलिए जीवन में गुरु वैष्णव का निर्देशन और भक्ति है ना। तो बोला ठीक है वो अमर हो, ठीक है आपके हिसाब से अमर हो गए, 5,000 करोड़ साल बहुत लंबा होता है, एक खुशी थे क्या आपको, केवल आधा घटना पता है पूरा घटना। हाँ, उन्होंने जब किया, यमराज आया, यमराज उनको ले जा नहीं पाया, हरी वो हरी वो, क्या पावर है, सब चालू कर दो महामृत्युंजय। अरे पगलू तो इसीलिए गुरु का जरूरत होता है, हरे कृष्णा मंत्र करने वाले बहुत लोग करते, नहीं क्या उससे चाहिए पता नहीं होता, हरे कृष्णा से क्या मांगना है पता नहीं। तो क्या मांग रहे हैं, अमरता है अमरता, लेकिन वही हमारे मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए, मतलब। तो जब ब्रह्मा का रात्रि बेला आया, पूरा स्टोरी क्या है, जब रात आया समझ रहे, तो सब लोग तो मर गया, बट वो तो अमर थे, नीता और प्रेमानंद ने मेडल लेके आए थे सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, बाहर नहीं सकते हमको। तो अमृत को भी बोला भाई आप जी भी तरीके, कोई टेंशन नहीं, हम लोग भी डूब जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा भी, तो वो लाइव यूट्यूब पे लाइव चल रहे हैं, वो समझ रहे हैं, प्रलय की रात्रि में सब कुछ पानी में डूब गया, फ्लैट भी डूब गया, सब डूब गया, जितना भी आईफल टावर सुबह जितना था सब खलीफा फलीफा जो भी था सब खालिफ कर दिया गया सबको एकदम सब। अब देखिए सब जब डूब चुका है, लेकिन हमारे मार्कंड ऋषि, अगर मान लीजिए देवाशीष को पानी के नीचे डुबा दिया जाए, समझ रहे, अब फिर सांस नहीं ले पाएगा, या मान लीजिए पानी भर का नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, कोई कोई करते हैं हम लोग बचपन में, भैया लोग बड़े भैया लोग जब छोटे तो 30 सेकंड बाद कैसा लगेगा, आंसू, क्या हालत होगा, हालत खराब हो जाएगा, समझ रहे, और 1 मिनट बाद समझ रहे बहुत ज्यादा हालत खराब हुआ, और 2 मिनट बाद हाँ मर नहीं सकते, अरे मर जा रहे उनको मरेंगे कैसे, मर जाने दो भाई, मरेंगे कैसे, तुमको जीवित रखना है 7 कल तक, अब क्या हालत होगा सोची, एक दुख होगा, दुख होगा उसका छटपट मर जाएगा, लेकिन आप मर नहीं सकते, सिर्फ छटपटा सकते, समझ रहे, ओनली आप रीड ओनली बोर्ड पे, राइट ओनली बोर्ड पे, मच्छर काट रहे कुछ नहीं कर सकते, पेट में स्टूल फंस गया लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं, क्या हालत होगा सोचिए, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आप बैठे निकल ही नहीं, क्या हालत होगा सोचिए वही से मिजरी आया लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्या हालत होगा सोचिए आप।
तो हमारे मार्कंड ऋषि का हाल क्या हो गया? बेहाल हो गया। अब बोलने लगे, अरे मर जाने तो रे भाई, पानी अंदर घुसा, बीज बीज तो मर नहीं सकता है, जीवित तो रहना पड़ेगा। कितना दिन तक? 7 कल। अरे छोड़ दे रे भाई, हमको नहीं जीवित रहना, लेकिन नहीं। और बेचारा रोने लगा कि हमको काहे के लिए बरदान लिया है, तो शराब बन गया। क्या बन गया? तो इतना मेहनत करके, हजारों साल तपस्या करके, इतना जप करके क्या हो गया? मिला क्या फाइनल? मिजरी। इसीलिए जीवन में मंत्र जप उतना इंपॉर्टेंट है। मंत्र जप किस लिए करें, ये भी बहुत जरूरी है। तो इतनी मेहनत करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, वही सिद्धि अब उनको क्या दे रही है कि मर नहीं सकता है, बहुत हो गया। इसलिए जीवन, मनुष्य जीवन में हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, इसलिए गीता पढ़नी चाहिए, इसलिए गुरु वैष्णव का संग करना चाहिए। कि नहीं, न धनम न जनम न सुंदरे कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनी भक्ति कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भौतिक स्तर पे कुछ मेरे को सुखी नहीं कर सकता, बस मुझे भगवान से प्रेम करना, वही मुझे हृदय को संतुष्टि। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चेतना जो है सही डायरेक्शन में जाए, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज हम अभी तो समझ भी नहीं सकते क्या अच्छा है बुरा है। आदमी सोचता है लंबी आयु होगी तो अच्छा है, नहीं, देख लीजिए क्या हुआ मार्कंड ऋषि का। फिर उन्होंने भगवान का जब आश्रय लिया, तो फिर उनको फिर भगवान का दर्शन हुआ, फल से बचे नित्य धाम। तो इसीलिए हमें भी भगवान का जप करना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, हे गोविंद मुझे भौतिक वासनाओं से मुक्त करे, अपने चरणों में अई नंद तनु जा किनकरा, पतिता मामिस्मे भवाम्बुधौ, कृपया तव पादपङ्कजः स्थितादुनि सन्ति संविचिन्त्य। ये भगवान, आपको छोड़ के बहुत कष्ट पा रहा हूँ। जैसे गुरु वैष्णव के निर्देशन में जप के साथ साथ रोज हरि कथा भी सुननी चाहिए। हरे राम प्रभु की।